जी एक्साइटमेंट है, बिल्कुल है। एक अलग तरह के सब्जेक्ट को लेके आ रहा हूँ। वैसे तो हर कोई यही कहता है मेरी फिल्म बहुत अलग है, लेकिन यकीन मानिए ये फिल्म बाकियों से बहुत अलग है। जंगलम, जैसा कि फिल्म का टाइटल है, जंगल बेस्ड एक फिल्म है, मगर ये थ्रिलर है, हॉरर है। एक अलग तरह से अपनी बात को रखने जा रहा हूँ। हॉरर है बेसिकली, डराना अच्छा लगता है। नहीं जी, थैंक्स गॉड कि मैं उनसे इंस्पायर्ड नहीं हूँ, लेकिन अपनी चीज़ है जो अपने पूरी ईमानदारी से अपनी टीम के साथ रखने जा रहा हूँ, एक अलग सोच के साथ रख रहा हूँ। थ्रिलर है, लेकिन जनरली जब हम थ्रिलर फिल्म की बात करते हैं, हॉरर फिल्म की बात करते हैं, तो बंद कमरे में, एक फ्लैट में या फिर एक शहर के अंदर सीमित होता है। हम थोड़ा उससे बाहर निकल के जंगल पहुँच के लोगों को डराने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल नहीं, वीरप्पन से बिल्कुल इंस्पायर्ड नहीं है ये फिल्म। उल्टा इस फिल्म में जंगल आपको उससे कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा। डिस्कवरी चैनल पे आप छोटे टेलीविज़न पे देख रहे होते हो, और यहाँ आप बड़े स्क्रीन पे पूरा जंगल देखोगे। 80% शूटिंग हमारी जंगल में है। नए भी चेहरे हैं, कुछ पुराने चेहरे के साथ हम उसको तालमेल करके लेके आएंगे। फिलहाल हमारे साथ एक बहुत टैलेंटेड नया लड़के को हम लेके आ रहे हैं, विनीत सिंह चंडेल नाम है उनका। बॉडी बिल्डिंग में ही मैन ऑफ इंडिया रहे हैं। उसके बाद काफ़ी नए चेहरे हैं, आर्या बब्बर हैं हमारे साथ। इनफैक्ट हमारी पूरी कास्टिंग अभी रखी हुई है, बस दिन मुकर्रर था कि आज के दिन आपके सामने आके अपनी बात रखनी है कि कैसे अपनी फिल्म की बात कह सकें। बाकी कास्टिंग इसके बाद भी चलती रहेगी। फिल्म हम लोग जून से स्टार्ट कर रहे हैं। जी वैसे तो ऑन बोर्ड वो हमारे कोरियोग्राफर हैं, मगर मेरी क्या बिसात कि मैं उनको एज अ कोरियोग्राफर लूँ। दरअसल वो इस इंडस्ट्री में मेरे गॉडफादर हैं, उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के यहाँ का रास्ता दिखाया है, और आज उनके आशीर्वाद से, उनके साथ से मैं आप लोग के सामने अपनी बात रख रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। लगता है स्पेशली जब कुछ नई कोशिश करता, कुछ नया लेके आता है तो बहुत बढ़िया लगता है। मैंने भी कोशिश की थी तो बहुत अच्छा लगता है जब अपने जैसे अपनी सोच का कोई आता है, कुछ नया करता है तो बहुत अच्छा लगता है। आप कुछ नया प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं? हाँ, एक कॉमेडी पे काम चल रहा है, एक कॉमेडी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, बहुत जल्दी कुछ आने वाला है। अभी तक का बॉलीवुड को लेकर एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत थ्रिलिंग था। तो आप तो अच्छे से जानते हैं, आपके साथ सबके सामने मेरा जो ओपन बुक है तो सबको पता है कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। बट इट वॉज रियली गुड, बहुत अच्छा है, और बहुत नया एक एनवायरनमेंट था मेरे लिए, नया माहौल था, तो बहुत एक्साइटिंग भी रहा है। थैंक यू। या मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जंगलम का पार्ट होके, और जंगलम एक जंगल की मूवी है। बहुत दिनों से जंगल पे मूवी आई नहीं है कोई, और ये मूवी आप देख के बहुत अच्छा फील होने वाला है, क्योंकि काफ़ी दिन बाद एक जंगल पे मूवी आने वाली है। अपने किरदार के बारे में बताइए। मेरा किरदार जो है एक डॉक्टर फैमिली से है, और डॉक्टर फैमिली से है, और मैं उस फैमिली का वो बंदा हूँ जो जिसको लोग डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बट उसके बाद भी मेरा ध्यान सोशल कामों में है, मतलब लोगों की सेवा करने में, प्लांट्स को बचाने में, इसलिए मैं पौधों से बहुत प्यार करता हूँ। तो यही है मेरा रोल। किस तरह की कहानी है? कहानी तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता आपको, बट सिर्फ यही हिंट दे सकता हूँ आपको कि हॉरर थ्रिलर है और काफ़ी सस्पेंस है, देख के मज़ा आएगा। बिल्कुल हॉरर फिल्म्स के फ़ैन हूँ, और सस्पेंस एक ऐसा चीज़ है जो आपको मूवी से बांधे रखता है, सो बहुत ही सस्पेंस भरी मूवी है। अभी शूटिंग शुरू नहीं हुई है, ये मुहूर्त है, इसके बाद शूटिंग शुरू होगी। कहानी बहुत अच्छी है। सॉरी, प्रणव सर तो मेरे मेंटोर हैं, और मैं ही मैन ऑफ इंडिया रह चुका हूँ फिजिक मॉडल में, सो उन्हें पता नहीं क्या दिखा उनको मेरे अंदर, वो तो वही बता सकते हैं, बट उन्हीं ने मुझे बॉलीवुड में लाया है, और वो मेरे लिए गुरु है मेरे। अच्छा,
सो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी दिन से जंगल पे मूवी आई नहीं है और थ्रिलर या हॉरर मूवी कोई इतनी अच्छी स्टोरी नहीं होगी, ये तो आप देख के बता सकते हैं, बट इतनी अच्छी नहीं होगी ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी ये मूवी। थैंक यू। कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो वहाँ की चीज़ों को यहाँ पे किया जा रहा है। जी मेरा किरदार है एक अमीर माँ बाप का लड़का जिसको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपने में मौज कर रहा है, वो चीज़ों को ज़्यादा सोचता समझता नहीं है, जो उसके दिल में आता है वो वही चीज़ करता है। और इस कैरेक्टर का नाम है ईशान कपूर। स्टोरी या कुछ चीज़ें आप जी जी जंगल पे स्टोरी है और एक नॉर्मल जंगल पे बहुत सी मूवीज़ बनी हुई है, बट एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जब जंगल हम कभी भी जाते हैं, अपने घर में कोई हमारे घर आता है कुछ भी गंदगी करता है तो हमको दिक्कत होती है, ऐसे ही हम भी जो कहीं जाते हैं किसी भी जंगल में या कहीं भी, तो हमको भी कोशिश करना चाहिए कि वहाँ पर ज़्यादा लाउड नहीं हो, ज़्यादा किसी चीज़ के लिए उनको पेड़ों को नहीं काटे, काफ़ी चीज़ें हैं। तो उससे भी रिलेटेड है ये मूवी कि मूवी के हिसाब से बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं कि हमको भी सीखना चाहिए नेचर से कि हम क्या कर सकते हैं उसके साथ। ओके थैंक यू। एक्सपीरियंस इज़ गुड, लाइक आई नो गणेश आचार्य सर वेरी वेल एंड माई मॉम इज़ इन टू दिस लाइन फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स, सो देयर इज़ वन यू नो everyone has that Kira inside of like acting. I was into modeling before and I came across that I can do acting also, so yes, this is my first movie. Before I have done many TVC ads and music albums and right now yeah I'm all here with Junglam movie. So how much are you excited for the show? A lot actually, because it is a paranormal thriller and yeah we'll be like going in a jungle and I'll be experiencing forest and also I'm very excited to do that too after monsoon. So how much you love the horror movie? I personally love a horror movie and yes, and it's also a thriller and paranormal, India's first paranormal and thriller movie, so I'm excited about it. Who's your inspiration from Bollywood? And yeah, my inspiration is Deepika Padukone and Priyanka Chopra. If you get a chance to work with a Bollywood actor, who Ranbir Kapoor obviously and Ranveer Singh. Ranveer Singh and Ranbir Kapoor. Yeah. Anything you want to say about the film or you want to say about your viewers? This film is about jungle obviously, as you all know. Movie is named Junglam and on one hand you will see the beauty of the forest, it's beautifully shown, and on the other hand you'll be seeing the twist, the other side of the jungle. And also to my audience I would love to say, when you go to the forest, don't just plug anything and eat, okay, just keep it clean and nice, that's it. Thank you so much. Welcome. Wish all the best for Team Junglam and I'm sure that Pranav will do a great job. He's a fantastic lyricist and this is his first directorial venture, so I'm super excited and I wish the team all the best, and with the blessings of Ganesh Master and Setu sir I think it'll be rocking, so all the best Team Junglam. Well, I haven't heard much about the story. I've heard that it's a suspense thriller, so I'm waiting for the suspense to unfold. What do you want to say about Pranav? I think you also work before also. Yes. Yeah. What do you want to say about Pranav? Well, Pranav is a super confident individual, right from you know, being a lyricist and a fantastic script writer. He's been an excellent mentor whenever he's worked on his projects, be it short films, be it his songs, and I feel this time he's gonna equally surprise me, you know. Supercharged. Thank you. कोई और हमारे जो सेम टीम है रिपीट हो रही है इसमें, एज म्यूजिक डायरेक्टर सम है प्रणव, ही लिरिक्स कर रहे हैं और कोरियोग्राफर गणेश मास्टर जी हैं। सो अनदर हिट सॉन्ग आफ्टर डीजे एंड दिस इज ऑल्सो क्लब ट्रैक, एंड टू टॉप इट ऑल प्रणव डायरेक्ट भी कर रहे हैं फिल्म, तो
इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, क्योंकि हम लोग साथ में इतना हम लोगों ने काम किया है और आज अपने साथ की टीम के किसी मेंबर को आगे बढ़ते हुए देखते हैं और इंडिपेंडेंटली फिल्म का चार्ज लेते हुए देख रहे हैं, तो उस चीज़ के की खुशी हमें बहुत ज़्यादा है. एंड वी विश ऑल दी बेस्ट टू द एंटायर टीम ऑफ जंगलम. इट्स अ वंडरफुल टाइटल एंड एम गोइंग टू सुपर हिट एंड अनदर किक एस ट्रैक फ्रॉम अस होपफुली इन दिस फिल्म एज वेल. वेल दैट यू हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दैट, बट येस ऑफकोर्स डीजे से भी बड़ा गाना करेंगे. इट विल बी अ क्लब ट्रैक and a dance number of course, what we specialize in, so that is going to be there. Anything you want to say, sir? All the best wishes. Yeah, I would like to wish Pranav a very very wonderful journey that he's taking off as a director, and wish him all the success for his film Jangalam. Excited to be a part of it. The entire team, thank you. One of the lead in this movie Jangalam. एंड ये मूवी, जैसा कि आप जंगलम से जान ही सकते हो कि ये मूवी जंगल पर बेस्ड है. इससे पहले भी काफ़ी मूवी जंगल पर आ चुकी है, बट दिस इज स्लाइटली डिफरेंट बिकॉज वेन एवर यू विल वॉच दिस मूवी यू कैन फील दैट यू आर इन द फॉरेस्ट. एंड फॉरेस्ट में जाने के बाद क्या क्या एडवेंचर होते हैं, स्पेशली जब आप ग्रुप में जाते हो तो यू विल एन्जॉय इट मोर. एंड क्या क्या एडवेंचर होते हैं वहाँ पर, क्या घटनाएँ होती हैं, उन सबको आप देख सकते हैं. और हम इस मूवी के थ्रू, हमारा एक मोटिव है कि हम अपनी ऑडियंस को एक मैसेज पहुँचाएँ जिसकी टैगलाइन है ग्रीन जंगल क्लीन जंगल, कि पेड़ को मत काटो बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग ऑन द अर्थ. जंगल से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है, जंगल ही इको बैलेंस करता है. और जब भी हम जंगल में जाएं तो वहाँ के रूल्स फॉलो करें, जैसे किसी भी चीज़ को प्लग करके नहीं खाना चाहिए बिकॉज इट मे बी पॉइजनस. एंड हाँ, इट्स अ हॉरर थ्रिलर मूवी, बट इस मूवी में और मूवी की तरह भूत उड़ते हुए नहीं दिखेंगे. बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से हम लोग इस मूवी को शूट करने जा रहे हैं. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस मूवी में हमारे साथ बहुत ही सीनियर लोग जुड़े हैं, शेतु श्री राम जी डीओपी है, तो इस मूवी का मज़ा और भी डबल हो जाएगा. गणेश दा कोरियोग्राफ कर रहे हैं, संतोष जी मेकअप दे रहे हैं, और म्यूज़िक सब विशाल मिश्रा जी दे रहे हैं, अरिजय सिंह जी एक सॉन्ग कर रहे हैं, नेहा कक्कड़. तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस मूवी के थ्रू मेरा अच्छा डेब्यू होगा. सोशल अवेयरनेस एंड ओके ओके सोशल अवेयरनेस के साथ साथ, जैसा कि मूवी में एंटरटेनमेंट होता है, सॉन्ग्स होते हैं, और हर कैरेक्टर की अपनी स्टोरी होती है. मेरा जो कैरेक्टर है, आई एम प्लेइंग किया, हु इज़ वेरी सेंसिबल. वेन एवर शी टॉक सेंस, शी आई कॉन्ट रिवील द स्टोरी एज ऑफ नाउ. यू हैव टू वेट टिल द मूवी रिलीज. आई जस्ट कैन शेयर this much only. Any question? Yes, right now I'm doing theater. Last 2 years से मैं theater कर रही हूँ. अभी भी मेरा ninth May को पृथ्वी में एक प्ले है, मोयरांग थोएबी. तो मैं basically theater से जुड़ी हूँ 2 years से, और उससे पहले मैंने काफ़ी training की है. Terence Lewis से मैंने diploma किया है dance में, martial art की है, aerial silk, pole dance. 3-4 years से मैं अपनी ट्रेनिंग कर रही हूँ कि ताकि मैं एक अच्छा डेब्यू कर पाऊँ, अच्छा परफॉर्मेंस दे पाऊँ. आई थिंक दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म विद अ ग्रेट टीम एंड आई एम सो हैप्पी. थैंक यू सो मच. अच्छा होने वाला है इसका, समथिंग वेरी न्यू एंड जो अभी चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग होना है. एंड प्रणव के साथ मेरा ऑलमोस्ट 8-10 साल से एसोसिएशन है, हम साथ में काफ़ी काम कर चुके हैं. अब होपिंग ये प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा हो और इसका गाना भी बहुत अच्छा हो. डिफ़िकल्ट तो होता ही है, बट पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें अपना बेस्ट दे सकें. थैंक यू. Yeah, so I'm pretty much excited to be a part of it as this is my first big Bollywood project. So yeah. There's something more about your character.
Malvika is a very strong-headed girl, and she has a responsibility on her. Generally, ऐसा होता है कि एक बचपन में उनकी मम्मी चली जाती हैं उनसे दूर. She is no more right now in her life, and generally ऐसा होता है कि माँ बोलती है अपने हस्बैंड को कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना. But then this time it's a little different because इस time जो बच्चे हैं वो पापा का ख्याल रखेंगे. So I am already headstrong and head straight, very protective and very possessive about my dad. So that I am in my real life, and it's a good day for me because it's my dad's birthday today, and somewhat is suiting my character. So I'm happy. Yeah. Association with Pranav sir was very exciting because when you meet the director, you come to know where is the mileage going. So जब मैं director sir से मिली and then उनका vision मैंने समझा, so उनके vision को देख के लगता है कि you know he is quite focused and quite dedicated towards the project, and he is very much into it. So I'll have to be really disciplined and I have to be really you know gathered with myself ki nahi baba director is very strict and I have to work very nicely there. So that's the whole thing. The film is pretty interesting because I don't think there is such kind of a concept right now in Bollywood industry, so I'm looking forward for this project more, and about the concept and about the story and about everything, I think the directors and the creators and the producers might have already spoken about it. So yeah, thank you so much guys, thank you so much. Dekhiye main bahut excited hu. Achhi script hai, and Pranav ji ke sath pehli baar kaam karne ka mauka mil raha hai. The team is very good. I'm very excited hearing that Setu saab is the cameraman of this film, and the way the whole script is, the way my character is, I'm very very excited. Main genuinely bahut zyada I'm looking forward to this project, and I hope it becomes what the script is. Arya, what do you feel about the story? You know, it's a little bit different, little bit unique, jungle ke upar based hai with a horror element in it. What do you feel about it? देखिए मुझे लगता है वैसे भी द होल स्टाइल ऑफ द स्क्रीन प्ले ऑफ दिस फिल्म इज़ वेरी यूनिक. जिस तरीके से इन लोगों ने जंगल को यूज़ किया एज अ कैरेक्टर, दैट इज़ समथिंग वेरी यूनिक, दैट इज़ समथिंग वेरी न्यू, एंड आई होप वो थ्रिल जो है दैट कम्स अक्रॉस ऑन द स्क्रीन. मुझे अक्सर डिफरेंट कैरेक्टर्स ही मिलते हैं, ये आप सच मानिए. ऐसा नहीं है कि मैं ही डिफरेंट कैरेक्टर्स ढूंढता हूँ, मुझे डिफरेंट कैरेक्टर्स ही दिए जाते हैं. बट आई एम वेरी ग्लैड, कैसे हैं भाई, आई एम वेरी ग्लैड कि आई गेट दीज काइंड ऑफ डिफरेंट रोल्स, आई गेट अ वेरी डिफरेंट अप्रोच. मेरे डायरेक्टर्स हमेशा चाहते हैं कि मैं कुछ अलग करूँ, एंड यस, इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर एक ग्रे शेड कैरेक्टर है. कैरेक्टर का नाम है रणवीर राणा, एंड वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर है, एंड ही इज़ द ओनली वन जिसको पता है कि इस फॉरेस्ट में कितनी भूल भुलैया हैं, इस फॉरेस्ट के सारे डार्क सीक्रेट्स वो जानता है, एंड किस तरीके से वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाता है. संजय दत्त बिग टाइम मैन, व्हाट आर यू सेइंग, डोंट यू सी एवरीवन, ऑल ऑफ अस आर अ फैन. एनीवन हु इज ग्रोन अप इन 80s और 90s इज अ बिग फैन ऑफ संजय दत्त, हैज टू बी, ही इज अ पॉप आइकॉन. या It goes without saying. Yeah. Oh, I am so looking forward to it. I think Ranveer has nailed it to the T. It's so good, and we couldn't have had a better director than Mr. Hirani to direct it, and with Vinod Chopra and the whole team presenting it. I'm really looking forward because हम लोग बड़े हुए हैं, you know, idolizing Sanju Baba, you know, his gym. He's the one who bought it all. So just looking forward to that film. I hope it's as good as we expecting it to be. And Arya, after this, what is upcoming for you? After this, there is another film that's coming up, that's Rehan. Then there is a Punjabi film that's going to be a home production with Dad and me for the first time. Thank you so much. Thank you guys, pleasure. Yeah, of course, because ये प्रणव की फिल्म है. प्रणव वॉच इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, और प्रणव को मैं कम से कम 8-10 साल से जान रहा हूँ. बहुत ही मेहनती लड़का है, बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में. उसकी वाइफ से मैं ज़्यादा अच्छी, मेरी फ्रेंडशिप है
श्रुति, उससे मैं प्रणव को मिला, प्रणव के साथ बाद में बहुत सारी बातचीत हुई, फिर पता चला कि ये लिरिक्स राइटर है, ये गाने बहुत अच्छे लिखता है। तो मैंने इसको फर्स्ट टाइम ब्रेक दिया मेरी फिल्म में, हे ब्रो में, और बहुत ही अच्छे गाने लिखे उसने। अभी मेरी और एक फिल्म है उसमें भी ये गाने लिख रहा है, और बहुत ही मेहनती है। मैं बोलूँगा प्रणव ऑल द बेस्ट फॉर जंगलम। मैंने स्क्रिप्ट सुनी है, बहुत ही अच्छी है, थ्रिलर है, और ये डेफिनेटली अच्छा फिल्म बनाएगा। मैंने सुनी है जंगलम की कहानी, सुनी हुई जंगलम के मैंने पूरे एक एक सीन सुने हुए, बहुत ही कई महीनों से लिख रहा था ये फिल्म, या कई सालों से। और मुझे कहा था कि माशा जी मुझे ये फिल्म करनी है, तो मैं प्रणव करो बिंदास मैं साथ में, जितने मेरे से हेल्प हो सकती है मैं करूँगा। इस फिल्म के गाने कर रहा हूँ मैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि जो लिरिक्स राइटर था आज डायरेक्टर बन रहा है, उसकी फिल्म में मैं गाने कर रहा हूँ एज ए कोरियोग्राफर। तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होती है जब अपना बच्चा आगे बढ़ जाता है। तो मैं ये बोलूँगा प्रणव ऑल द बेस्ट। और कुछ या ऑफकोर्स संजू, ये मैंने ही की पूरी फिल्म, राजू की ऑल सॉन्ग्स आई कोरियोग्राफर रणबीर एंड राजू ईरानी। जिस हिसाब से ट्रेलर देखा, मैं अभी रशिया से आया हूँ, मैं यूक्रेन में था, मैंने वहीं से ट्रेलर से राजू को फ़ोन लगाया, बोला राजू बहुत ही ज़बरदस्त है और जब इसके गाने आएंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे। मैंने पूरी कोशिश की है, क्योंकि मैं संजू बाबा को आज से नहीं, मेरे ख्याल से 30 साल से जानता हूँ, जब उन्होंने वो स्टार्ट किए थे तभी मैंने भी स्टार्ट किया था ग्रुप डांसर, तब से मेरी उनके साथ दोस्ती है। तो संजू बाबा की फ़िल्म करना मतलब मेरे लिए दिल की फिल्म करना है। और राजू ईरानी के साथ तो मैंने मुन्ना MBBS की, लगे रहे मुन्ना भाई की, पीके की है, और अभी संजू कंप्लीट की, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। कहना क्या है, ट्रेलर ने बहुत कुछ कर दिया। ऑफकोर्स जब मैंने पहला गाना किया था और मैंने क्लोजअप लगाया था तो उसने यूं किया था, तो मुझे ऐसा लगा कि संजू बाबा ही शॉट दे रहे हैं। तो इतनी मेहनत की थी, और हम लोगों ने बेसिकली गानों पर भी बहुत मेहनत की है, डिफरेंट डिफरेंट गाने हैं आपको देखने मिलेंगे। नो रोमांटिक सॉन्ग इन फिल्म। हाँ, नहीं, मेरे बहुत सारे शागिर्द बेसिकली इंडस्ट्री में हैं, मैं लेकिन खुद एक शागिर्द हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, उनसे ही बहुत सीखा हूँ, आगे ही बहुत कुछ सीखना है। लेकिन ये ज़रूर है कि वो अपना जब नीचे से ऊपर आता है और कुछ बन जाता है तो बहुत खुशी होती है, ऐसा लगता है कि मैं फिर एक बार कुछ बन चुका हूँ और बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं आपके लिए कि आपका कोई एक बंदा है, या कोई कोरियोग्राफर हो, या असिस्टेंट कोरियोग्राफर हो, या कोई राइटर हो, या कोई आर्टिस्ट हो, बहुत खुशी होती है इस बात की। अभी संजू देखेंगे आप, अभी बागी का गाना देखा आपने, 1, 2, 3 बहुत सारे गाने, खलबली गई, बहुत सारी फिल्में, कंटिन्यू लाइन से फिल्में, नमस्ते इंग्लैंड कर रहा हूँ मैं, फिर सुपर 30 कर रहा हूँ मैं, और कोरियोग्राफी में बहुत सारी फिल्में लाइन अप। कहानी पुरानी होगी वजन की। हाँ, लग रहा हूँ पहले से पैदा थोड़ा, डेफिनेटली बहुत ही, अभी भी मैं 50% पहुँचा हूँ, नेक्स्ट ये 2018 ख़त्म हो जाएगा तब तक मैं मेरे गोल पे पहुँच जाऊँगा कि मुझे एग्जैक्ट क्या फिगर पे रुकना है। ओके, थैंक यू। डेफिनेटली एक्साइटेड बिकॉज द लेजेंडरी गणेश इज देयर एंड ही इज इन्वॉल्व इन द फिल्म, सो वेरी वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस बिग वेंचर एंड फॉर दिस बिग फिल्म। Of course, horror movies are always very exciting because horror movies जो जॉनर है जिसमें एक अलग ही मज़ा है, जिसमें आप आखिरी तक बैठे होते हैं देखने के लिए कि क्या होने वाला है, और एक थ्रिलर होता है, आप डरे हुए रहते हो, और पता नहीं, आई हैव ऑलवेज बीन enjoying द हॉरर मूवीज सिंस माई चाइल्डहुड डेज, कुछ अलग ही मज़ा है डेफिनेटली। एंड आई थिंक लास्ट हॉरर मूवीज आई रिमेंबर अभी मेरे फ्रेंड करण की फिल्म थी 1921, आई थिंक आई एंजॉयड वॉचिंग इट, अच्छा शूट किया था उन लोगों ने। आई थिंक हॉरर मूवीज़ आर डूइंग गुड, आई थिंक दे आर ऑलवेज इन द ट्रेंड एंड हमेशा ही वो मार्केट में अच्छा करते हैं और हमेशा ही बॉक्स ऑफिस में धमाल मचाते हैं। या थैंक यू। सो मच अवेटेड पोस्टर अनवीलिंग
is now going to happen. So ladies and gentlemen, now before we begin, let me invite our very own, the one and only Vinish Acharya sir. Can we all now welcome him with a huge applause? सामने देखो ना चलेगा नहीं चला मैं तो पीछे खड़ा हूँ यार। That's the lovely star cast. Hold on, hold on. Just looking. Men and all the lovely gorgeous females, all the lovely actresses are here. And with that, yeah, thank you so much, guys. I request you all to come out. Director Pranav R. Vats, our DOP Sethu Sriram, Music Director Vishal Mishra. Nitin Soni and Ayan Ali Abbas. Nitin Soni sir. And of course we have our wonderful choreographer Ganesh Acharya sir with us. One more time, Nitin Soni sir. आप अनाउंस करो ना चल फिर नहीं नहीं भैया भैया आप समझा करो आप समझो मेरी बात प्रणव भाई माना करो योगेश भाई करेंगे सी आप कर देयर आर फ्यू थ्री मीडिया देख रहे हैं आप मैं नहीं बोल सकता आप मैं जंगलम के पुलिस गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग एवरीवन first of all I would like to wish best of luck to entire team of jangalam and I think on this auspicious day we would like to announce one more project soon coming up our next movie as in director again with Pranav Vats Jalebi Wali Gali right so I think Pranav bhai would be like बेटर ऑप्शन टू एक्सप्लेन फर्दर मैं मानता हूँ कि इससे अच्छा माध्यम कुछ नहीं हो सकता अगर कोई प्रोड्यूसर कहे कि ठीक है यार अगली फिल्म चलो हम लोग साथ में कर रहे हैं बताओ कब करना है तो शायद आपसे अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता कंफर्म कराने का तो नीड योर हेल्प बड़ी मनोज भैया श्योर श्योर जलेबी वाली गली कर रहे हैं हम लोग जस्ट इसके बाद और ऑफिशियली मनोज चौधरी जी अनाउंस कर रहे हैं अग्री भैया We are with you. We are going to announce this project once again after this also. और ये वाला जलेबी वाली गली वाला जो प्रोजेक्ट है प्रणव भाई संतोष भाई और आशीर्वाद गणेश आचार्य थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू नॉट नॉट बट वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है
किसी बहुत बड़े चेहरे के साथ और आपके किसी पसंदीदा चेहरे के साथ करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू द मुहूर्त ऑफ जंगलम एंड इस फिल्म का म्यूजिक कर रहा हूँ मैं. एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग कि प्रणव इज डूइंग डायरेक्शन फाइनली एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. बहुत फैसिनेटिंग सी स्क्रिप्ट है और बहुत अच्छा म्यूजिक होगा शायद. एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या होता है. अभी हमने गाने बनाने शुरू किए हैं, गाने लिख दिए हैं. प्रणव भी गाने लिख रहे हैं जो कि डायरेक्टर हैं फिल्म के. और इंशाल्लाह सब बहुत अच्छा. जी हाँ, ये स्क्रिप्ट सुनी. एक्चुअली ये स्क्रिप्ट बहुत पेचीदगी से हुई क्योंकि मैं इससे मेरा अभी एक फिल्म का ट्रेलर आया वीरेडी वेडिंग, वो मेरी म्यूज़िक है. रेस 3 आ रही है, वो मेरी म्यूज़िक है. तो उसके बीच में कहीं ये स्क्रिप्ट सुनी मैंने एंड आई लव्ड इट एंड आई सेड चाहे जो भी हो रहा हो ये फिल्म होनी चाहिए. इट्स अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट एंड आई होप कि म्यूज़िक बहुत अच्छा हो. थैंक यू सो मच. आचार्य जी, एक पिता के हाथों एक पुत्र का एक अच्छी शुरुआत हो उससे बड़ा और क्या होगा. जंगलम का मुहूर्त गणेश आचार्य के हाथों से हुआ, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती है. और आप लोग सब साथ दे रहे हैं, इतना अच्छा इवेंट हो पा रहा है आप लोगों के कारण. तो आई एम सो हैप्पी, एक अच्छी शुरुआत है और यकीन मानिए इतनी अच्छी फिल्म बनाऊंगा. जी शायद मैं थोड़ा बहुत तारीफ के काबिल होऊंगा. कलाकारों की बात करें तो कौन से कलाकार हैं? सारे लगभग नए लोग हैं, लेकिन है मार्केट के भी काफ़ी लोग हैं. चूंकि पूरी तरह से अभी हमारी कास्टिंग नहीं हुई है, ये एक दिन मुकर्रर था, एक शुभ दिन चुना गया था मुहूर्त करने के लिए, तो हमने इस दिन पे फिल्म का मुहूर्त तो कर लिया है लेकिन स्टिल हमारी कास्टिंग ऑन है. बहुत जल्द मीडिया आप लोग के ही माध्यम से उसकी भी जानकारी हम लोग दे देंगे. थ्रिलर मूवी है, हॉरर है. जनरली जो हॉरर मूवी हम देखते हैं जो आज कल हमारे बीच में आती है, जो हॉरर फिल्में, उससे हटकर है ये फुल ऑन जंगल वाली मूवी है. आप ऐसा समझ लो कि डिस्कवरी चैनल आप अपने टीवी पे देख रहे होते हो. मैंने पूरा इंतज़ाम कर रखा है कि 2 घंटे की डिस्कवरी चैनल आप मस्त बड़े बड़े स्क्रीन पर देखो. जी बस अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, आप भी पहन लो और अच्छा प्रमोट हो जाएगा. जून एंड से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिल्म. फर्स्ट शेड्यूल मुंबई है, सेकंड शेड्यूल केरला है. जंगलम का नाम अगर टाइटल की बात करें तो क्या कुछ इसके पीछे? जी जंगलम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है हे जंगल, आह्वान है जंगल को. तो जंगल पे तो पहले भी फिल्में आई हैं और आती रहेगी. हम आह्वान कर रहे हैं जंगल का, मैसेज देना चाहेंगे हम ग्रीन जंगल क्लीन जंगल विद दिस प्लेटफॉर्म. थैंक यू सो मच. अभी धीरे धीरे आएंगे इसलिए अभी मैं उसके बारे में कुछ बता नहीं सकती हूँ. गणेश जी आज इसका लॉन्च के क्या कुछ कहना चाहेंगे? गणेश जी को मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी बिकॉज वो अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल से उन्होंने टाइम निकाला और यहाँ आकर हमें एक तरह से अपना एक आशीर्वाद दिया है यहाँ के पोस्टर अनवेल करके. तो थैंक यू सो मच और बहुत बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. और आज इस जंगलम के मुहूर्त का नमस्ते, मेरा नाम लवी रोहतगी है और जंगलम फिल्म का आज लॉन्च हुआ है. तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी जो डायरेक्टर हैं प्रणव, वो मेरे जीजू हैं, मेरे जीजा जी हैं. तो उनको मैं बहुत सारी विशेज देना चाहती हूँ, प्रणव जीजू को और स्मृति को. मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट और बहुत अच्छी फिल्म बने आई होप और ये फिल्म सुपर हिट भी हो. थैंक यू. एक्साइटमेंट बहुत है क्योंकि आज तो शुरुआत है मूवी की और मुहूर्त जब इतना अच्छा है तो मूवी का अंजाम कितना अच्छा होगा. हाँ, जंगलम के बारे में अगर बात करें तो किस प्रकार की फिल्म है, क्या कुछ बताया गया? जंगलम के बारे में अगर कहूँ तो दो शब्द में सिर्फ यही कहूँगा, डर तो लगेगा पर डराने वाला कोई नहीं है, मौत तो आएगी पर मारने वाला कोई नहीं है. थैंक यू. जी मेरा नाम रंगराजन द्विवेदी है. बेसिकली तो मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ, मैं यूपी के लिए अंडर 23 खेल रहा हूँ और 16 स्कूल्स इंडिया भी खेला हुआ हूँ. ठीक है, बाकी जंगलम मूवी जो है एक हॉरर थ्रिलर है जो कि कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है. और इससे पहले मैंने एक शॉर्ट फिल्म करी थी प्रणव बस जी के साथ, उन्होंने मेरी चीज़ों को देख के, मेरी एक्टिंग को देख के उन्होंने इसमें मुझे मौका दिया. थैंक यू सो मच.
जंगलम का मुहूर्त तो क्या कहना चाहेंगे? यार मैं सोच रहा हूँ जंगलम में बहुत मंगलम होगा, बहुत ही मस्ती वाली फिल्म होगी. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई वांटेड टू कॉन्ग्रेचुलेट द टीम ऑफ जंगलम दैट द फिल्म बहुत अच्छी तरीके से मुहूर्त हो रहा है, बहुत अच्छा स्टार्ट हो, बहुत पीसफुल एडवेंचरस और एक्साइटिंग उनका पूरा शूट स्केड्यूल जाए. I've just come over here to congratulate all of the entire team because हमें पता है कितना मुश्किल होता है कभी कोई एक प्रोजेक्ट जाने वाला होता है. सो इट्स एक्चुअली इट्स ऑलवेज ग्रेट टू सपोर्ट पीपल एंड दैट सपोर्ट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट. सो हम छोटा सा ही सपोर्ट देने आए हैं. अभी एक्चुअली इट्स नॉट कम्प्लीटेड येट बट या इट्स स्टिल इन द प्रोसेस. बट या जस्ट बना रहे, मुझे शुरू से शौक है यार फिटनेस का जस्ट अ लिटिल बिट. जल्दी कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा तो पता चल जाएगा. मैं फिल्म के लिए नहीं, मैं अपने लिए बॉडी बनाता हूँ एक्चुअली. मैं सच में अरे झूठा एक नंबर का. इट्स वेरी 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 वर्क ड्रिवन, वेरी प्रोजेक्ट ड्रिवन. सो इट्स वेरी एक्साइटिंग कि कोई हार्ड वर्क करके बहुत ही फोकस तरीके से अपने काम के लिए करा. तो वी आर गोइंग टू बी वेरी एक्साइटेड जब भी कोई भी अच्छी अनाउंसमेंट होती है अबाउट प्रोजेक्ट. सो वी विल सी. मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? आज फिल्म का पोस्टर लॉन्च हुआ है. This is actually a first time. I'm gonna give them a good wishes ki unki movie success ho, that's all. Okay, Vikas sir is young, I want to ask you. Yeah. This one question. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. मैं कहना चाहूँगा हर गलत तरीके से दिखाना क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हर किसी का अपना ट्विटर है, हर किसी का अपना ओपिनियन है. हर कोई ओपिनियन से हर कोई सहमत नहीं होगा. किसको क्या लिखना चाहिए, क्या किसको नहीं अटैक करना चाहिए, ये खुद एक इंसान मैच्योर है, उसे मालूम है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा. हम उनकी परिस्थितियाँ नहीं समझ सकते. वी कान अंडरस्टैंड वाई दे हैव डन नॉट डन बिकॉज वी आर नॉट इन देयर शूज. सो आई वुड रादर नॉट कमेंट ऑन दिस. आई वुड रादर से दैट टू ईच टू इट्स ओन. इफ़ शी हैज़ डन दिस देर मस्ट बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन बिकॉज शी इज़ अ वेरी मैच्योर इंडिविजुअल एंड वॉट एवर डिसीजन शी इज़ टेकिंग इज हर ओन. एग्जैक्टली आई वुड लाइक टू से द सेम के यू नो दैट्स व्हाट ही सेड ऑलमोस्ट द थिंग्स दैट सबका अपना अपना ट्वीट होता है ना, ओपिनियन होता है. आई रियली रिस्पेक्ट एवरी वन वेन इट कम्स टू देयर ओपिनियन. आई थिंक इट्स नॉट गोइंग सो बैड ऑल्सो. यू नो इट्स देयर ओपिनियन आर जस्ट क्लैशिंग. दैट्स आई थिंक दैट्स हेल्दी, दैट्स वेरी पॉजिटिव एंड दैट्स सपोज टू हैपन. यू नो वेरी वेन स्ट्रॉन्ग हेडेड पीपल दे कम टुगेदर क्लैश इज गोना हैपन. सो लेट्स जस्ट रिस्पेक्ट एवरीवनस ओपिनियन. सो दैट्स इट. मिल गया तो मैं हिट्स मिल जाएंगे. हां चल, आज मुहूर्त इसकी हुआ है इसका. ये प्रणव जी हमारे पुराने मित्र और एक तरह से हमारे रिश्तेदार भी लगते हैं. हमको इस फिल्म के बारे में बताए कि जंगलम के बारे में थोड़ा सा, जंगल वगैरह पहले था और ये सब जो है. बहुत बहुत शुभकामनाएं इस टीम को और ये टीम अच्छी करे. और पहली पिक्चर है, ईश्वर से कामना करते हैं कि फिल्म इनकी अच्छी चले और बहुत अच्छी तरह लोग काम करें इसमें. थैंक यू.